हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइज, ये वीडियो है फ्राइडे इवनिंग की। तो ये हमारा इवनिंग का योगा का रूटीन है। तो जब बच्चे लोग भी ट्यूशन से आ जाते हैं, या तो हम इस तरह से एक्सरसाइज कर लेते हैं, या तो हम कोई म्यूजिक चला लेते हैं, कोई सॉन्ग चला लेते हैं और उस पर डांस करते हैं इवनिंग को डेली। मॉर्निंग में मेरा लगातार योगा नहीं होता है, कभी कभी छूट जाता है जब लेट उठती हूँ, लेकिन इवनिंग थोड़ी देर के लिए डेली मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और जैसे जल्दी उठ गई तो इवनिंग में भी हो जाता, मॉर्निंग में भी हो जाता है, लेकिन कभी क्या होता है हम देर से उठते हैं तो पहले ही घर के इतने सारे काम होते तो नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इवनिंग में डेली एक्सरसाइज करती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी भी, पीयू भी मेरे साथ कर रही है। पीयू तो डेली करती है, पापा के साथ भी एक्सरसाइज कर लेती है। और ये प्राप्ति गौरव ये बहुत कम करते हैं, या सॉन्ग चल रहा था थोड़ा डांस कर लेंगे, वैसे नहीं करते वो एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैं और पीयू कर रहे थे तो गौरव ने थोड़ा सा शूट कर लिया और मेरा ब्लॉग भी बन गया उसी में से, क्योंकि आजकल मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया भी था पहले, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है और ज़्यादातर से आप लोगों की वीडियो में भी नहीं आ रही हूँ। और अभी एडिटिंग कर रही हूँ मैं, मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको घंटी की आवाज़ ही आ रही होगी। तो बगल में पूजा कर रहे हैं कोई, अभी मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए। और वीडियो ये कल शाम की है। तो यहाँ पे हमारा योगा हो गया, बस इतने ही एक्सरसाइज करते हैं हम थोड़ा बहुत, और टहलना भी नहीं होता है। टहलने जाएं तो पीयू इतना चल भी नहीं पाती है ज़्यादा दूर तक, और ये दोनों शाम को ट्यूशन रहते हैं। उसके बाद तो फिर ऐसे ही हो जाता है कि अब अंधेरा हो गया है, डिनर की तैयारी करनी, तो इसीलिए कहीं जाना होता नहीं। तो बस इवनिंग को सब्ज़ी वगैरह लेने चल जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, तो मैं पैदल ही जाती हूँ, पास में ही है, इतना ही काफ़ी हो जाता है, रिक्शा कभी नहीं लेती। और थोड़ा बहुत चलना बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आजकल के जिस तरह से खान पान है ना, बहुत सारी बीमारियाँ, पता नहीं चल रहा कि कब कौन सी बीमारी हो जाए। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे पीहू, मैं तो थक गई थी लेकिन मेरी पीहू बिल्कुल भी नहीं थकी, वो इतनी एक्टिव है, बहुत टाइम तक एक्सरसाइज कर लेती है। और ये वाली वीडियो है आज मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग में मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, बस थोड़ा सा, जब तक चाय बन रही थी तब तक ही किया, उसके ज़्यादा नहीं किया। मैं काफ़ी लेट उठी और यहाँ पे मेरा चाय मैंने इस तरह से बनाती हूँ, पानी उबल गया था उसके बाद मैंने उसमें चाय पत्ती डाली और चीनी डाली। आज थोड़ा ज़्यादा दिख रही होगी आप लोगों को चाय, वैसे मैं सिर्फ एक कप बनाती हूँ, आज थोड़ा ज़्यादा इसलिए दिख रही क्योंकि लेट हो गई है। और अब मैं जब अपना काम स्टार्ट करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह, तो उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊँगी। मैं नाश्ते में ज़्यादातर से रोटियाँ ही बनाती हूँ, और मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा ज़्यादा बना लूं, और रस है घर में तो चाय के साथ एक एक दो दो रस बच्चों को दे दूं खाने के लिए। तब तक मैं अपना काम कर लूंगी और उसके बाद 9:30 बजे मैं नाश्ता बनाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा चाय दिख रही है, थोड़ा थोड़ा इनको भी दूंगी मैं। और यहाँ पर चाय मेरी बन गई है, तो अच्छी तरह से उबल गई थी, मैंने उसमें दूध डाल दिया था, एक इलायची डाल ली थी, और वैसे मैं मसालेदार चाय बनाती हूँ इलायची अदरक जैसे, तो आज अदरक नहीं था मेरे पास तो मैंने एक इलायची डाली है। अपने लिए निकाल लूँगी मैं चाय और एक गिलास में गर्म पानी, इनके लिए मैं भी रख देती हूँ, ये अभी आ रहे हैं बच्चे हाथ मुँह धो के, तो उसके बाद इनको दे दूँगी। तो पहले पानी पी लेती हूँ उसके बाद पीती हूँ चाय। और गाइस, चाय पी के मेरा हो गया था झाड़ू का काम शुरू, तो सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ पूरे घर में, पोछा भी लग जाता है कभी कभी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बच्चों के स्कूल हैं तो मैं नाश्ता बनाने लग जाती हूँ, और पोछा का काम जब ये स्कूल चले जाते हैं और मैं भी नाश्ता बना के नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद करती हूँ, तो कभी जल्दी हो जाता है पोछा, कभी लेट होता है। तो यहाँ पर मैं पूरे घर को झाड़ू लगा लूँगी और आज इतना ही डालूंगी बस आज की वीडियो में, आगे का नहीं डालूंगी क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हो, फ़ायदा कुछ नहीं डाल के, बस शुरू में ही कमेंट कर देते हो, फुल वॉच तो करते नहीं हो। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई तो है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इतना ही डालती हूँ, कोई देखता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं पूरी ज़्यादा लंबी वीडियो डाल के।
तो ऊपर सीढ़ियों से मैं झाड़ू लगा के आ गई थी, बाहर भी लग गया था झाड़ू। उसके बाद मैं दूसरे रूम में चली जाऊंगी, वहां भी लगा लूंगी। तो सबसे पहले का यही होता है मेरा रूटीन। और ये देखिए फ़ोन हिल रहा है, गौरव के हाथ में थमा रखा है, वही बना रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा, मैं जब तक झाड़ू लगा रही थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो बना ले, तो इसलिए फ़ोन हिल रहा है। मुझे अब एक ट्राइपॉड लाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होती है वीडियो शूट करने में, जैसे बच्चे नहीं रहते हैं घर में और मैं किचन में हूँ, तो किचन में मोबाइल सेट करने के लिए जगह नहीं है, बिना ट्राइपॉड से काम नहीं चलता। तो मैं एक हाथ में मोबाइल रखती हूँ और अपने आप में ही हाथ में मोबाइल रहता, अपने आप ही काम करती रहती हूँ, तो इस तरह से शूट करती हूँ। अभी आ गई थी मैं इनके रूम में, बच्चों के रूम में, तो यहाँ पे बेड शीट वगैरह तो सेट कर ली थी प्राप्ति ने, और ये बैग, वाटर बोतल, पानी का जग, जो भी ये रात को पीने के लिए पानी लाते हैं, तो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इनको सही कर लेंगे। और ये है गौरव का बेड है, तो इसमें थोड़ा बेड शीट इधर उधर बिखरी हुई मिलती है, लड़के नहीं कर पाते हैं और बेटियां कर देती हैं। तो प्राप्ति तो उड़ते ही अपना बिस्तर झाड़ के सही से सेट कर लेती है बेड शीट को, और जो ओढ़ने की चादर है, सुबह के टाइम में ना खिड़कियां खुला रहती तो हल्की हल्की हवा आती है तो ठंडा भी लगता है थोड़ा, तो एक एक चादर दे रखी है मैंने ओढ़ने के लिए, तो वो तो अपना सब कुछ सेट कर लेती है फोल्ड करके चादर को, लेकिन इसका थोड़ा खुद करना पड़ता है। तो सब कुछ समेटने के बाद मैं इस रूम में भी झाड़ू लगा लूँगी, खिड़कियाँ बंद कर रखी है, ठंड लगी होगी सुबह के टाइम पे, तो मैं मुझे बहुत घुटन होता है कोई खिड़की बंद करे तो, गर्मियों में। सर्दियों में तो हवा आती है, ठंडी तो करनी पड़ती है, तो ये भी खोल ली है। और अब अच्छी तरह से पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, आज तो मैं पोछा लगा लूँगी, कपड़े धुल लूँगी और उसके बाद ही नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि इन्होंने एक एक दो दो रस खा लिए हैं चाय में, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है नाश्ता बनाने की, आराम से बना लूँगी सारे काम निपटा के। तो यहाँ पे हो रही थी क्लीनिंग, तो जो फ़ोटो वगैरह हैं इनमें भी धूल जम जाती है, तो इनको मैं इस कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, सब पे थोड़ा कपड़ा मार लूँगी और उसके बाद झाड़ू का हो जाएगा मेरा, और फिर लगाऊंगी मैं पूरे घर को पोछा। तो बुक्स वगैरह इतनी ज़्यादा बिक्री नहीं है, और वैसे आज सैटरडे है प्राप्ति और घर में ही हैं, स्कूल नहीं जाएंगी, छुट्टी है आज, तो कुछ बुक है इधर उधर बिक्री हुई, तो उनको तो वो खुद ही सेट कर लेगी, उसकी तो सही है, नीचे वाले में गौरव की सही से नहीं लगा रखी है, तो उनको प्राप्ति कर देगी बाद में सही। बस मैं ये डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद पोछा लगा लेती हूँ। आज मैंने जो जिसे हम बिछाते हैं ना, कारपेट बोलते हैं, दर्री बोलते हैं, तो उनको भी वॉश करना है, बहुत गंदे हो रखे हैं। और कपड़े वॉश करने के बाद, पोछा लगाने के बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो ये सारे अपने अपने बोतलों में पानी ले आते हैं, रात को एक एक गिलास ले आते हैं, तो बेड के नीचे डाले रहते हैं, तो इनको भी मैं भी एक जगह पे रख रही हूँ, उसके बाद इनको भी ले जा लूँगी। चादर वगैरह फोल्ड कर ली है और यहाँ पे अब झाड़ू लग रहा है। गाइस इतनी वीडियो है आज की, पसंद आई आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे फिर एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।